हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय गार्डन। आज मैं आपको तुलसी की 5 टिप्स बताने वाला हूँ कि वो गर्मी में भी हरी भरी रहे, और उसके मैं आपको 5 टिप्स बता रहा हूँ, वो आपको बहुत बेनिफिशियल होंगे कि गर्मी के सीज़न में। तो ये टिप ज़रूर फॉलो कीजिए आप। इसकी सबसे फर्स्ट टिप है और सबसे इम्पोर्टेंट टिप है इसकी मिट्टी बहुत सॉफ्ट और मुलायम होनी चाहिए, और इसकी मिट्टी के आप हफ्तों में 2 बार गुडाई करनी चाहिए गर्मी के सीज़न में, क्योंकि गर्मी के सीज़न में मिट्टी एकदम पत्थर जैसे हो जाती है, और वो मिट्टी इस बिल्कुल अच्छी लगती है। मेरी मिट्टी आप देख सकते हो कितनी भुरभुरी है, मैंने अभी इसको पानी दिया है इसलिए थोड़ी गीली मिट्टी है। वैसे आपकी भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए, नहीं तो आपके रूट्स को प्रॉब्लम होगी, रूट्स अच्छे से डेवलप नहीं करेगी और आपका पौधा मर सकता है। और इसकी सेकेंड टिप से इसकी प्रूनिंग पिंचिंग करनी है, इसकी जो भी ऊपर के जो लिप्स होते हैं उसकी पिंच करना है। और आप बोलोगे कि मैंने अभी तक पिंच क्यों नहीं किया, क्योंकि मैंने न्यू पौधा लाया और अभी मैंने इसको ट्रांसप्लांट किया है, तो इसकी मैंने अभी पिंचिंग की तो इसको प्रॉब्लम हो सकता है, और ये डर के मारे डायबैक कंडीशन आ सकती है। आपका भी समझो न्यू पौधा हो तो आप उसकी पिंचिंग ना करें, क्योंकि उससे बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, आपकी तुलसी डेड भी हो सकती है। इसलिए आप उसको पिंचिंग तो एक हफ्तों के बाद कीजिए, तो मैं भी एक हफ्ते के बाद इसको पिंच कर दूँगा और वो सीड्स ज़रूर निकालें। इसकी थर्ड टिप है कि आप इसको सनलाइट अच्छे से दें। इसको सनलाइट ना चाहिए पर ज़्यादा नहीं, जो धूप के जो गर्मी के सीज़न में जो ज़्यादा धूप आती है वो सनलाइट नहीं चाहिए। आप इसको सुबह की नहीं तो जो शाम की सनलाइट होती है वो दो। मेरी तुलसी को सुबह की सनलाइट मिलती है तो इसलिए वो इतनी हरी भरी है। आप भी ऐसा करो और इसको सुबह की सनलाइट दो, दोपहर की मत देना, क्योंकि दोपहर में इसके पत्ते जल सकते हैं। मेरे भी आप देख सकते हो थोड़े बहुत जल गए पत्ते, क्योंकि मैंने पहले स्टार्टिंग में रखी थी। और फिर इसका फोर्थ पॉइंट है कि आप इसको समझो आपके पेस्ट आ रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप इसमें नीम ऑयल स्प्रे कीजिए। और समझो आपके बहुत माइनर अटैक हुआ है तो आप इसको पानी से भी धो सकते हैं। गर्मी में ज़्यादा करके पेस्ट अटैक नहीं करते, तभी आपके तुलसी को समझो दूसरे का पौधों की वजह से अटैक की है, तब इसको पानी से धो डालो, नहीं तो आप इसको नीम ऑयल का स्प्रे कीजिए, आपके सब कीड़े मर जाएंगे। और इसकी फिफ्थ टिप्स हैं कि इसका वाटर सिस्टम इसका बहुत अच्छा होना चाहिए, ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत अच्छा होना चाहिए। आप इसको दोपहर के वक्त पानी ना दीजिए, आप सुबह दीजिए धूप आने से पहले, नहीं तो शाम को दीजिए धूप जाने के बाद दीजिए। इससे आपका पौधा बहुत हरा भरा और बुशी दिखेगा, और आपको गर्मी में भी आपका पौधा हरा भरा रहेगा। और मैंने पहले भी आपको बहुत सारे वीडियोस तुलसी के बारे में डाले कि तुलसी ट्रांसप्लांट कैसे करें, तुलसी की केयर कैसे करें, वो भी आप देख सकते हो। आपको और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही मिलते हैं दूसरे अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, बाय बाय।